الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم امید کرتے ہیں انشاءاللہ رضی صاحب سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں امید ہے سبھی کی عید اچھی گزری ہوگی بقرعید سب نے مزے سے بنائی ہوگی اور میں یہاں بھی بنا رہی ہوں مٹن हाफ लेमन जो है वो उसका और मैं बिल्कुल जब सालन तैयार होने के होता है फिर मैं उसमें डालती हूँ गरम मसाला और काली मिर्च वरना सालन का कलर थोड़ा अजीब लगता है वैसे अजीब यहाँ पे भी लग रहा है क्योंकि ये लाइट कलर है अदरवाइज बहुत अच्छा सालन बनाता है सिंपल मटन बहुत मज़े का बनता है और बगैर किसी के खाने के लिए तो इसी किस्म का हम बनाते हैं और हमारे यहाँ ये बहुत फेवरेट है साहब को भी बहुत पसंद है मैं भी शौक से यही खाते हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था उम्मीद है आपको पसंद आया होगा इसमें मटन में जो चीज़ मैं देखती हूँ बहुत अच्छी होनी चाहिए टेंडर इतना अच्छा हो जाए इतना अच्छा सा पक जाए गल जाए इतना अच्छा कि बोटी से स्ट्रगल ना करनी पड़े हड्डी के साथ से बोटी उतारते वक्त ना अगर बोटी आराम से उतर रही है तो उसका टेस्ट भी ऑसम होता है और ज़बरदस्त वो मिलता देता है और खाने में भी बहुत आसान कहेंगे जूद हज़म होता है ना बहुत जूद हज़म होता है जो ज़्यादा अच्छे से गला हुआ होता है माशाल्लाह बनाया बड़े मज़े से खाया बहुत अच्छा लगा उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा और बनाना भी बेहद आसान है मैं चूँकि वर्किंग वुमेन हूँ घर का काम या जो कुछ भी होता है तो मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है आसान अंदाज जिसे मैं बहुत अच्छे से आराम और सुकून से बना सकूँ तो ये जो है ना मटन डाला और इसमें बाकी चीज़ें डाली और मैं कुकर लगा देती हूँ इसको तकरीबन 10 मिनट लगते हैं हार्डली 10 मिनट 10 मिनट के बाद खोलो जो भी कमी होती है चेक करने के बाद फिर मैं उसको देख लेती हूँ और उतना और बना लेती हूँ माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा और वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ज़रूरी होता है किस तरह के तरीके निकालें कि आसानी से काम हो सके क्योंकि जिस जनरेशन में सालन भर रहा होता है उस जनरेशन में ही हमें सबका काम और देखने होते हैं माशाल्लाह तो देखें बहुत मज़े का बना बहुत अच्छा खाया मज़े से और इसमें मैंने सिर्फ देसी घी का 1 टेबल स्पून डाला है बिल्कुल भी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला या कुछ और नहीं डाला मटन था माशाल्लाह अपना अच्छा इसमें था खाने वाला है ही नहीं चिकना ही है फैट के लिए तो माशाल्लाह फिर खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद हमने मैंगो खाए मज़े से उनको ये भी शेयर करते हैं आपके साथ मेरे मैंगो मुझे मैंगो बहुत पसंद है आपको भी पसंद आएगी जरूर बताइएगा अल्लाह हाफिज़